दोस्तों टीवी शो में काम करते करते ये अभिनेत्रियां कब हमारी फेवरेट बन जाती हैं हमें पता ही नहीं चलता। ये अभिनेत्रियां जब शो में विलेन से सामना करती है और उनसे लड़ती है तब हमारे दिल में एक अलग ही खुशी हो जाती है। लेकिन टीवी की दुनिया से परे इन अभिनेत्रियों की रियल जिंदगी भी होती है। लेकिन अफसोस की बात कि कुछ अभिनेत्रियां शो में विलेन से तो जीत जाती हैं लेकिन रियल लाइफ में ये अपनी किस्मत से जीत नहीं पाती। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको टीवी की कुछ ऐसी अभिनेत्रियों से मिलवाएंगे जो अपनी किस्मत के आगे काफी मजबूर रही और इन्हें असल जिंदगी में धोखे का सामना करना पड़ा। लाख कोशिशों के बाद भी अभिनेत्रियां अपनी किस्मत से नहीं जीत पाई, तो कौन है आखिर वो अभिनेत्रियां, आइए जानते हैं। नंबर 5, प्रत्युषा बनर्जी। सुपर टीवी सीरियल बालिका वधु में आनंदी बनकर लोगों का मनोरंजन कर चुकी अभिनेत्री प्रत्युषा बनर्जी आज हमारे बीच नहीं है। प्रत्युषा बनर्जी ने बहुत कम उम्र में ही आत्महत्या कर ली। टीवी सीरियल के माध्यम से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाली प्रत्युषा बनर्जी ने अपनी किस्मत से हार मान ली। कहा जाता है कि उनके बॉयफ्रेंड राहुल ने उन्हें प्यार में धोखा दे दिया और किस्मत से मिले इस दाग का प्रत्युषा बनर्जी सामना नहीं कर पाई और अंत में उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला किया। वो आज हमारे बीच नहीं है। नंबर 4, स्नेहा वाघ। कई लोकप्रिय टीवी शो में नजर आ चुकी अभिनेत्री स्नेहा वाघ भी टीवी इंडस्ट्री का काफी बड़ा नाम है। स्नेहा वाघ को शो वीर की अरदास वीरा से भी काफी लोकप्रियता मिली। इस सीरियल में स्नेहा वाघ अपने बच्चों के लिए किस्मत से लड़ती हुई नजर आई, जबकि असल जिंदगी में भी उनकी जिंदगी ऐसी ही रही। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें स्नेहा वाघ की पहली शादी 19 साल की उम्र में आविष्कार दारवेकर के साथ हुई, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस के चलते ये शादी जल्दी टूट गई, जिसके बाद स्नेहा ने दूसरी शादी एक मराठी एक्टर से की। लेकिन अफसोस कि यहाँ भी उन्हें किस्मत से हार माननी पड़ी। महज शादी के 8 महीने बाद ही इनका दूसरे पति से भी तलाक हो गया। तलाक की वजह यहाँ भी घरेलू हिंसा बताया गया। नंबर 3, चाहत खन्ना। लोकप्रिय टीवी शो बड़े अच्छे लगते हैं से फेमस हुई चाहत खन्ना भी अपनी किस्मत के आगे जीत नहीं पाई। आपको बता दें चाहत खन्ना ने पहली शादी बिजनेसमैन भरत नरसिंघिनी से की, लेकिन शादी के एक साल बाद ही घरेलू हिंसा के कारण भरत से तलाक हो गया। इसके बाद 2013 में चाहत ने फरहान मिर्जा से शादी की, लेकिन अफसोस यहाँ भी किस्मत इनके साथ खेल खेल गई और शादी के कुछ साल बाद ही उन्होंने फरहान से घरेलू हिंसा के कारण तलाक ले लिया। चाहत ने फरमान पर कई तरह के संगीन इल्ज़ाम लगाए। आपको बता दें चाहत के आज 2 बच्चे हैं और ये अपने दोनों पतियों को तलाक लेने के बाद अकेली ही अपने बच्चों की देखभाल कर रही है। नंबर 2, श्वेता तिवारी। टीवी शो कसौटी जिंदगी की से फेमस हुई अभिनेत्री श्वेता तिवारी टीवी का लोकप्रिय नाम है। टीवी शो कसौटी जिंदगी में श्वेता ने कोमलिका और मिस्टर बजाज जैसे बड़े विलन का सामना किया और अंत में जीत हासिल की, लेकिन असल जिंदगी में वो अपनी किस्मत से हार गई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें श्वेता को अपनी किस्मत से 2 बार हार का सामना करना पड़ा। एक बार जब उन्होंने पहले पति राजा चौधरी से धोखा खाया और जब उनके दूसरे पति अभिनव कोहली ने भी इनके साथ ऐसा किया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही श्वेता ने अपने दूसरे पति अभिनव कोहली पर मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसके बाद वो अब तक अपने पति के साथ ज्यादा नजर नहीं आती। नंबर 1, जेनिफर विंगेट। आज जेनिफर विंगेट टीवी का सबसे बड़ा नाम है और कई टीवी सीरियल में बतौर मुख्य भूमिका निभा रही है, तो वे हमेशा ही अपने शो में एक स्ट्रांग वुमेन बनकर लोगों के सामने नजर आई। लेकिन आपको बता दें जेनिफर को अपनी किस्मत में धोखा मिला। जी हाँ दोस्तों, कसौटी जिंदगी की 2 और दिल मिल गए में उनके को स्टार रह चुके अभिनेता करण सिंह ग्रोवर से उन्हें प्यार हुआ। जल्दी दोनों ने शादी की, लेकिन किस्मत के आगे जेनिफर ने हार मान ली, क्योंकि जेनिफर विंगेट करण सिंह ग्रोवर से प्यार करती थी लेकिन करण ने किसी और के लिए उन्हें छोड़ दिया और अपना घर बसा लिया। लेकिन किस्मत से हारी जेनिफर आज अकेली जीवन बिता रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है टीवी की इन मशहूर अभिनेत्रियों में कौन से अभिनेत्री की किस्मत ज्यादा खराब है? आप उस अभिनेत्री का नाम हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही टीवी से जुड़ी और भी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।